हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRS टैक रिलेटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट ऑलराउंडर पावरफुल स्मार्टफोन जो कि आपको अंडर 20,000 के देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी आपको पता लग गया होगा कि फ्लिपकार्ट पर द बिग बिलियन डे जो है सेल चालू हो चुकी है, तो ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 से ऊपर देखने को मिलते थे, मतलब 25,000 के आसपास ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं, बट सेल में आपको ये अंडर 20,000 के देखने को मिल जाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी बेटर डील ले सकती है अगर आप 20,000 के आसपास कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो जिसके अंदर आपको सारी परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच लेवल की देखने को मिले। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ। ये तीनों स्मार्टफोन रैंकिंग वाइज नहीं है, तो आप अपनी चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा स्मार्टफोन भी परचेज कर सकते हैं, और ये तीनों स्मार्टफोन 5G हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से आते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट का फर्स्ट मोबाइल फ़ोन रहता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi 11i हाइपर चार्ज 5G। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जो फीचर देखने को मिलते हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, आई मीन फ्लैगशिप लेवल के फीचर देखने को मिल जाते हैं, अल्ट्रा लेवल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की बॉडी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इस मोबाइल फ़ोन की बैक में आपको ग्लास पैनल देखने को मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश, फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साथ ही मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 204 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा, 8.3 mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मोबाइल फोन की बॉडी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, बिकॉज कलर स्कीम के साथ आपको मोबाइल फोन काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलेगा, बिकॉज मोबाइल फोन काफ़ी लाइट वेट, कॉम्पैक्ट एंड स्लिम है। डिस्प्ले के बारे में बात करें, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको AMOLED 6.67 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस डिस्प्ले के अंदर आपको 700 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप अपना मोबाइल फोन इजीली सनलाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इस डिस्प्ले के अंदर आपको 86.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से मोबाइल फोन की साइड बेजल काफ़ी पतली देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, डिस्प्ले आपको एकदम टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलने वाली है। साथ ही चिपसेट के बारे में बात करें, दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 nm के साथ आता है और एंड्रॉइड वर्जन 11 पर बेस्ड है, जो कि आपको अपग्रेड होकर एंड्रॉइड वर्जन 12 भी देखने को मिलेगा। तो चिपसेट भी आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अल्ट्रा HD में गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 108 MP का प्राइमरी कैमरा प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 MP का मैक्रो लेंस, जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा। इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे से आप 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट की बात करें, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 1080p/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड दोस्तों, बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 120W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसकी वजह से आप अपना मोबाइल फोन ओनली 15 मिनट के अंदर 100% चार्ज कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। ओके, बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप इजीली ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाएगी, USB Type-C 2.0 देखने को मिल जाएगी, और मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अंडर 20,000 में आपके लिए Xiaomi 11i हाइपर चार्ज 5G बहुत ही ज़्यादा बेटर डील ले सकती है, और फ्लिपकार्ट द बिग बिलियन डे सेल पर आपको और भी ज़्यादा कम प्राइस देखने को मिलेंगे इस मोबाइल फोन के। लिटरली आप इस मोबाइल फोन को कंसीडर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड बात करते हैं इस लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 9 5G स्पेशल एडिशन, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इस मोबाइल फोन की डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, साथ ही कलर स्कीम भी काफ़ी पसंद आएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉडी के बारे में बात करें, स्मार्टफोन की बैक आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, फ्रंट में आपको पेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, फ्रेम आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। मोबाइल फोन के अंदर आपको 199 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा, 8.5 mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बॉडी के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको IPS LCD 6.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, आई मीन 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से मोबाइल फोन के अंदर आपको काफ़ी स्मूथनेस देखने को मिलेगी। साथ ही इस डिस्प्ले के अंदर आपको 600 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप अपना मोबाइल फोन इजीली आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं। 84.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से मोबाइल फोन की साइड बेजल काफ़ी पतली रहने वाली है।
ये डिस्प्ले आपको पैंडा ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों चिपसेट के बारे में। तो दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा चिपसेट ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है और एंड्रॉइड वर्जन 11 पर भेज दे, तो काफी तगड़ा चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है, नो कम्प्रोमाइज नो डाउट। ओके बात करते हैं दोस्तों कैमरा सेटअप के बारे में। इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस जो कि आपको एलईडी फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा। इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे से आप 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओके फ्रंट की बात करें, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी स्नैपर देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से आप 1080p/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे जो कि काफी अच्छा इस मोबाइल फोन के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जिसके साथ आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपना मोबाइल फोन 50% 25 मिनट के अंदर चार्ज कर सकते हैं एंड 50 मिनट के अंदर 100% मोबाइल फोन अपना चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों अदर फीचर्स के बारे में बात करें, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, काफी अच्छी बात है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाती है, USB Type-C 2.0 देखने को मिल जाती है और मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ओवरऑल सारे फीचर जो है टॉप नॉच लेवल वाले देखने को मिलते हैं। रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन रह सकता है अंडर 20,000 में। इस मोबाइल फोन को आप लिटरली कंसीडर कर सकते हैं, नो डाउट। दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट के थर्ड मोबाइल फोन के बारे में जो कि रहता है वीवो की तरफ से IQ Z5 5G। इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको काफी सारे फीचर जो अच्छे देखने को मिल जाते हैं और द बिग बिलियन डेज सेल पर आपको ये स्मार्टफोन भी अंडर 20,000 की देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस स्मार्टफोन के प्राइस आपको 20,000 से ऊपर देखने को मिलते हैं बट सेल के अंदर ये भी आपको अंडर 20,000 की देखने को मिल जाएगा। फीचर्स तो आपको एकदम टॉप नॉच लेवल वाले देखने को मिलते ही हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्मार्टफोन की बॉडी के बारे में। इस मोबाइल फोन की बैक फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको पैंडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साथ ही मोबाइल फोन के अंदर आपको 193 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा, 8.5mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी। मोबाइल फोन की बॉडी कलर स्कीम और काफी डिजाइन आपको पसंद आने वाली है। डिस्प्ले के बारे में बात करें दोस्तों, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको IPS LCD 6.67 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही 650 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। इस डिस्प्ले के अंदर आपको 85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से मोबाइल फोन की साइड बेजल बहुत ही ज्यादा पतली रहने वाली है। मोबाइल फोन की डिस्प्ले आपको एकदम टॉप नॉच लेवल वाली देखने को मिलेगी बिकॉज इसमें आपको फ्रंट में पैंडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं चिपसेट के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है और एंड्रॉइड वर्जन 11 पर भेज दे जो कि काफी तगड़ा चिपसेट आपको स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, नो डाउट। दोस्तों बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। स्मार्टफोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा जो कि आपको एलईडी फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे से आप 4K/30fps एंड 60fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे जो कि काफी अच्छी बात रहने वाली है। फ्रंट की बात करें, स्मार्टफोन के अंदर आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से आप 1080p/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा आपको टॉप नॉच लेवल वाले देखने को मिल जाते हैं, अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल वाले। ओके कैमरे में नो डाउट। बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जिसके साथ आपको 44W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है जिसकी वजह से आप अपना मोबाइल फोन 50% 26 मिनट के अंदर चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों मोबाइल फोन के अंदर आपको बैटरी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, लॉन्ग टाइम तक आप इजिली मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं। अदर फीचर्स के बारे में बात करें, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, इजिली ईयरफोन यूज कर सकते हैं, USB Type-C ही देखने को मिलती है और साथ ही मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। Vivo IQ Z5 5G आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन रह सकता है बिकॉज ओवरऑल सारे फीचर आपको टॉप नॉच लेवल वाले देखने को मिलते हैं, कैमरे से लेकर आपको बैटरी, चार्जिंग, डिस्प्ले, सारी चीजें आपको टॉप नॉच लेवल वाली देखने को मिलती है और हालांकि आपको जो चिपसेट भी काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है। लिटरली आप स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। तीनों स्मार्टफोन अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं, तो आप अपनी चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा स्मार्टफोन भी परचेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जाना, अपने भाई का चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।